वैज्ञानिक उपकरण एवं उनके उपयोग, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड यूज के पार्ट 5 में आपका स्वागत है, जहां मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ पांच नई ट्रिक्स पांच नए इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। देखिए, पहला है कैलीपर्स। कैलीपर्स आप देख रहे हैं और साथ में देख रहे हैं एक पर्स और एक बेलनाकार चीज। तो कि कैलीपर्स से आप बनाइए कल परसों, या फिर आप बना लीजिए कल पर्स। तो कल परसों में किसी चीज़ को मापने वाला हूँ, आज नहीं माप पा रहा क्योंकि चीज़ बेलनाकार है, थोड़ा जटिल है। कल पर्स ले आऊँगा, साथ में उसमें ऐसा कोई औजार ले आऊँगा जिससे मैं इसको माप पाऊँगा। तो मापने से कहीं ना कहीं इसका संबंध है। बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर को व्यास मापने का जो यंत्र होता है वो होता है आपका कैलीपर्स। चलिए अगला है कंपास। बहुत ही आसान है, जहाज़ों के अंदर जो कैप्टन वगैरह हैं दिशा ज्ञान के लिए इसका उपयोग कर में लेते हैं कंपास। इसमें चुंबकीय सुई होते हैं जो हमेशा उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर इंगित करती है। बिल्कुल आसान है। अगला है कार्डियोग्राफ। देखिए इसको कैसे याद करेंगे कार्डियोग्राफ को, कि देखिए कार्डियो से बनाइए आप कार्ड। देखिए किसी को यदि हृदय रोग हो गया तो वो हॉस्पिटल में जाएगा, इलाज करवाएगा, इलाज करवाने के बाद भुगतान करेगा। भुगतान करने के लिए कार्ड का प्रयोग करता है और एक कार्ड उसकी जेब में रखा रहता है और कार्ड जेब में और उसके पीछे क्या है, हार्ट। हार्ट यानी हृदय। तो हृदय की गति को अभिलिखित करने वाला जो उपकरण है वो है कार्डियोग्राफ। बड़ा ही विचित्र है, देखिए यहाँ पे एक ग्राफ दिख रहा है, इसको हम कार्डियोग्राम बोलते हैं। पर देखिए जहाँ जो और इसको नापने वाला जो इसको बनाने वाला जो यंत्र है वो कार्डियोग्राफ यंत्र है, उसमें तो ग्राफ आ रहा है और जो एक्चुअल में ग्राफ है उसके अंदर ग्राम आ रहा है, तो उल्टा है। थोड़ा सा ऑप्शन में टिक लगाते टाइम इस चीज़ का ध्यान रखें। अगला है क्रोनोमीटर यानी ठीक घड़ी। देखिए ये आपको दिख रही है, तो हम इसको ऐसे पकड़ेंगे कि क्रोनोमीटर से आप पकड़ो कोना। तो कोई जहाज है उसके कोने में एक घड़ी पड़ी हुई है और ये घड़ी हमें सही समय बता रही है। तो पानी के जहाजों में सही समय ज्ञात करने में जो प्रयुक्त उपकरण होता है वो होता है क्रोनोमीटर। कोने में क्या है, पड़ी हुई है घड़ी, कहाँ पर, जहाज के कोने में, तो बस वहीं पर इसका संबंध। अगला है क्रायोमीटर। क्रायोमीटर से निकालिए आप क्रायोजेनिक्स। ये विज्ञान की वो शाखा है जो लो टेम्परेचर्स पे बात करती है, निम्न तापमानों से संबंधित विज्ञान है। तो देखिए हम क्रायो से बनाएंगे क्राई, CRY, क्राई। क्राई मतलब होता है चिल्लाना, और क्रायोजेनी से बनाएंगे क्राइंग जेनी, यानी एक जिन है वो चिल्ला रहा है। क्यों चिल्ला रहा है, आपने उसको एक ऐसी जगह पे भेज दिया है जहाँ की बहुत ही कम तापमान है, तो कम तापमान के कारण उसको ठंड लग रही है, वो चिल्ला रहा है। तो 0 डिग्री सेल्सियस एवं उसके आसपास के कम तापमानों को मापने वाला तापमापी है क्रायोमीटर। अब लगा लेते हैं टेस्ट। बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर का व्यास मापने का यंत्र है, मैंने आपको बताया था कल परसों मापूंगा क्योंकि चीज बेलनाकार है, कल परस भी ले आऊंगा। आंसर हो गया कैलीपर्स। अगला है आपका किसी स्थान पर उत्तर दक्षिण दिशा को ज्ञात करने का यंत्र है, बिल्कुल ही आसान है कंपास। हृदय की गति को अभिलिखित करने वाला उपकरण है एनोमीटर, कार्डियोग्राम, कार्डियोग्राफ, अल्टीमीटर। इसका सही जवाब हो जाएगा कार्डियोग्राफ। कार्ड रहता है जेब के अंदर और जेब के पीछे होता है आपका हृदय यानी हार्ट। और मैंने बताया था ग्राम जो होता है और ग्राफ जो होता है, देखिए वो ग्राफ तो जो बना होता है वो तो होता है कार्डियोग्राम और जो यंत्र है वो होता है कार्डियोग्राफ, उल्टा होता है। पानी के जहाजों में सही समय ज्ञात करने में प्रयुक्त उपकरण है, तो सही जवाब उसका जाएगा कि जहाज के कोने में एक घड़ी पड़ी हुई है जो सही समय बताती है, सही जवाब हो जाएगा क्रोनोमीटर। अगला है आपका 0 डिग्री सेल्सियस एवं उसके आसपास के कम तापमानों को मापने वाला तापमापी यंत्र है, तो सही जवाब हो जाएगा, मैंने बताया था आपको क्रायोजेनिक्स, क्राइंग जीनी। जीनी क्यों चिल्ला रहा है, उसे बहुत ही कम तापमान पर भेज दिया गया है, तो क्रायोमीटर। दोस्तों ये था आपका लास्ट सवाल। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहे हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।